अभी तक आपने देखा कि गांव के जागरूक दादा सबको भूकंप रोधी तकनीकों के बारे में बताते रहते हैं। उधर जंगल में शिकारी शिकार के तलाश में घूम रहे हैं और उनकी तलाश में डीएफओ। जंगल को शिकारी के अलावा गांव वालों की लापरवाही और कई बार गलतियों से भी नुकसान होता है। ऐसी ही एक गलती से गांव का जंगल जलने लग जाता है। गांव के दादाजी और चारों बच्चे जंगल में लगने वाली आग को गांव वालों के सहयोग से बुझाते हैं। उसके बाद राम राम फगुनिया, हो गई तुम्हारी पूजा पाठ? क्या मांगा करा सब देवता से? अरे साहब क्या मांग रहे, बस दो वक्त की रोटी मिलती रहे और मालिक का आशीर्वाद हमेशा सिर पर बना रहे, बस बाकी और क्या। और आजकल क्या लगा रहे छानियों में? सब आलू, राजमा, अरबी, बस यही चल रहा है। उसको बेचकर अपने दो पैसे मिल जाते हैं, बस और क्या चाहिए। कोई बाहर का आदमी तो नहीं देखा यहाँ पर? नहीं साहब, यहाँ भला इन पहाड़ों में कौन आएगा। अगर बाहर के लोग आते भी हैं तो मसूरी और नैनीताल खूबसूरत जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ थोड़े नहीं आएंगे साहब। भाई वहाँ जो लोग जाते हैं वो टूरिस्ट होते हैं, वो जाते हैं वहाँ घूमने, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ इस जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ शिकार कर और कुछ जड़ी बूटियों की तस्करी कर। ठीक कह रहे हो साहब। हाँ लेकिन सुनो फगुनिया, अगर कोई भी बाहर का आदमी दिखाई दे तो हमारी चौकी बता देना, ठीक है? ठीक है साहब। और कोई दिक्कत तो नहीं फगुनिया? बस साहब कृपा है मालिक की। अरे कृपा तो ऊपर वाले की होनी चाहिए, हमारी क्या है। अच्छा साहब राम राम। अच्छा अच्छा राम राम भाई। जी दीदी। ओ बैंड। अच्छा खेला जा रहा है, खेला नहीं। हाँ प्योरी, कल स्कूल में स्काउट की ट्रेनिंग है तो तुम अपना नाम जरूर लिखवाना। उस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाएंगे दीदी? इस स्काउट ट्रेनिंग में फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताएंगे। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है दीदी? प्योरी हम सबको प्राथमिक चिकित्सा जरूर आनी चाहिए। मान लो कोई घायल हो गया हो, किसी की हड्डी टूट गई हो, या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या कई बार सांस रुक जाती है, तो ऐसे में हम सब क्या करते हैं? ऐसे में हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमको कुछ करना आता ही नहीं। चोट ज्यादा लगी हो या घायल की स्थिति गंभीर हो और अस्पताल दूर है, तब तक फ्योली बहुत देर हो जाती है, समझ रही हो? जी दीदी। तो आपदा के समय मतलब मुसीबत के समय हम किसी की मदद कर सके या किसी की जिंदगी बचा पाए, तो इसके लिए हम में से हर एक को प्राथमिक चिकित्सा जरूर आनी चाहिए। क्यों, क्या सोच रही हो लाटी? तेरा घर का नाम मेरी जुबान पर हमेशा आ जाता है, तो क्या सोच रही हो फ्योली? हाँ दीदी, परसों हमारे यहाँ जंगल में आग लग गई थी। अच्छा? और एक के चोट भी लग गई थी, तब दादाजी ने कपड़े से दबा कर रोका। दीदी अगर दादाजी को ऐसा नहीं आता तब क्या होता दीदी? तुम्हारे दादाजी तो अपने आप में प्रेरणा के स्रोत हैं, उनसे तो जितना सीखा जाए कम है। तो तुम कल प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग में जरूर आना जी दीदी, और गोरी हो सके तो तुम भी आना जी दीदी। Thank you.
पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। और सब कुशल मंगल? बस पंडित जी कृपा है। हाँ हाँ। पंडित जी वो ऐसा था कि वो घर पे ना भूमि पूजन करवाना था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको तो पता ही है कि मेरा एक ही सपना है कि बस अपने दो कमरे बन जाए और बस यही है और क्या है। उसके लिए बस आपको बोलने के लिए आया था पंडित जी। अरे पाहुनिया, आज वो दिन आ ही गया जिसका तू बचपन से सपना देखता था। हाँ पंडित जी। दो कमरे हो, एक छोटा सा बरामदा और उसके बगल में गौशाला, यही सपना था ना तेरा? हाँ बस पंडित जी, जीते जी मकान बनाने का ही तो एक सपना था। फागुनिया, जो तुम मकान बनाओगे तुम्हारे मिस्त्रियों को भूकंप अवरोधी तकनीक का ज्ञान तो है ना? अरे पंडित जी, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मूर्ख, जो बात सबसे पहले सोचनी थी वो बात सबसे बाद में सोच रहा है। अगर ऐसी सोचता रहा ना तो सपना सपना ही रह जाएगा। पंडित जी आप बताइए मैं क्या करूँ? अरे भाई, आपदा न्यूनीकरण अथवा भूकंप अवरोधी तकनीक से ही अपने मकान बनाने चाहिए, समझ रहा है ये बात? हाँ पंडित जी। वरना मेरा भूमि पूजन करना तो बेकार है। अरे पंडित जी, आपको तो शास्त्र ज्ञान के साथ साथ आप तो समाज ज्ञान को भी सम्मान दे रहे हैं, और भला इससे अच्छी बात हो क्या सकती है पंडित जी? ऐसा ही होता है फागुनिया, पैसा और फर्ज को जोड़कर ही मनुष्य जीवन सफल होता है। ठीक है तो मैं कल पूजा को आऊंगा। तुम सिर्फ ऐसे मिस्त्री ढूंढो जो भूकंप अवरोधी तकनीक का जिन्हें ज्ञान हो। ठीक है? हाँ पंडित जी ठीक है। अच्छा पंडित जी, अच्छा चलता हूँ, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अच्छा पंडित जी। अगले इतना ही बहुत है। हाँ वैसे भी ओस गिर रही है, कल ही जाएंगे। अरे क्या तू महीने भर रुकेगा यहाँ? अरे रुक, लगता है किसी गाड़ी की आवाज आ रही है। चल गाड़ी आ गई, चल निकल, चल भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, चल गया, चल गया। लगता है जानवरों का रूट है ये भी है। जी सर, वो नीचे की तरफ पानी है ना, तो रात के समय ऊपर की जाना जाता है। हाँ तुम लोग ऐसा करो, नीचे जाकर देखो। जी सर। लगता है सूचना बिल्कुल सही थी। जी सर,
भाई रेंज में शिकारियों कोई ना कोई दल घूम रहा है जरूर। जी जरा देखो कोई निशान निशान दिखा है? मिट्टी में सर निशान दिख तो रहे हैं। देखो कितने आदमी के निशान है। दो लोग के जूतों के निशान दिख रहे हैं सर। दो लोग हैं कि दो से ज्यादा है? निशान तो दो ही दिख रहे हैं सर। अच्छा तुम ऐसा करो गांव की सारी वन पंचायत इकट्ठा करो जी। सबको सूचना दो। जी सर। ठीक है जी सर। यहाँ हमारे रेल कितने लोग हैं? 8 लोग सर। सबको इकट्ठा करो बंजाली करो देखो कितने फंदे लगे सब उठाओ। ठीक है चलो। दादी प्रणाम। तूने क्यों गिर दी नैला है? हम भक्तों को काम तो कुछ है नहीं दिन रात तास 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 पहाड़ का कर दिया सत्यानाश। काम कैसा चल रहा है? दादी काम ठीक चल रहा है। हाँ, और चौखट कब लगा रहा है? कल नहीं तो परसों खड़ी कर देंगे। अच्छा हाँ इस बात का ध्यान रखना कि मकान में पट्टिकाएं मेरा मतलब बैंड जरूर डालने चाहिए। दादी पट्टिकाएं बैंड ये क्या होता है? इधर ये देख मकान में 3 बैंड जरूर डालने चाहिए। ये खटू ये तू भी पढ़। वाह दादाजी इस आपकी किताब में तो भूकंप वाला मकान बनाने की पूरी जानकारी है। और भूकंप वाला नहीं भूकंप अवरोधी मकान। हाँ हाँ वही तो क्या कहा आपने? भूकंप अवरोधी मकान। हाँ भूकंप अवरोधी मकान बनाने की पूरी जानकारी है। देखो बालम आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय ठीक है ना दोनों से बचने का एक ही उपाय है। ओके दादा। यदि रहो जागरूक आपदा न बिगाड़ सकते कुछ। दादा फिर से तो बताना। अरे देखो बालम हमारी जागरूकता और सावधानी ही हमें आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा सकती है ना? और जानकारी तो बेटा जानने से ही मिलेगी। हाँ दादा आप सही कह रहे हो। जरा वो बैंड वाली बात दोबारा तो बताना। हाँ मैं कह रहा था कि मकान में 3 बैंड जरूर डालने चाहिए। पहला बैंड नींव के ऊपर और दूसरा बैंड खिड़की दरवाजों के ऊपर और तीसरा बैंड छत के साथ समझ रहा और कोनों पे खड़ा सरिया जिससे मकान बंधर रहे समझ रहा। एक बात और अगर छत ढालदार तो इसमें गेवल बैंड जरूर डालना चाहिए। इन बातों को याद रखना। देखो अगर हम भूकंप सुरक्षा तकनीक से अपना घर बनाएंगे है? तो भूकंप आने पर भी अपने घर परिवार को सुरक्षित बचा पाएंगे। और तू भी सुन इधर आ तू तो जरूर पढ़ना। अच्छा पूछूंगा। हाँ अच्छा तो दादाजी प्रणाम। ठीक है पढ़ना जरूर। अच्छा दादाजी। आप हमें इतनी सुंदर जगह लेके आए हो। दीदी यही जगह है ना? हाँ हाँ यही जगह है। चलो चलो अब सब बच्चे गोला बनाओ। गोला बनाओ। आजकल तो हम सभी बच्चे ना शाम को मिलकर ना दद्दू के साथ खेल खेलते हैं। अच्छा
क्या खेल खेलते हैं? करके दिखाएं? हाँ हाँ दिखाओ। चल भूरी, चल माला, चलो चलो बच्चों, बाकी सब बच्चे यहाँ आराम से बैठ जाओ। आओ खेल खेले, आओ खेल खेले, आओ खेल खेले, आओ खेल खेले, क्या खेले क्या खेले क्या खेले क्या खेले क्या खेले क्या खेले क्या, आओ खेल खेले, आओ खेल खेले, आओ खेल खेले, क्या खेले क्या खेले क्या खेले क्या खेले क्या खेले क्या खेले क्या, मैं बताऊँ क्या खेले? हाँ बताओ क्या खेले? नन्हे मुन्हे रक्षक हम ऊँची ऊँची शिखरों के, नन्हे मुन्हे रक्षक हम ऊँची ऊँची शिखरों के, कल कल बहती नदियों के लहलहाते पेड़ों के, कल कल बहती नदियों के लहलहाते पेड़ों के, देवदार है पंख फैलाए उड़ने को तैयार, उड़ने को तैयार, वहाँ पसारे बरगद पीपल थामे है संसार, थामे है संसार भैया थामे है संसार, जिनके दम से चल रही है सांसों की रफ्तार, दम चिक दम दम, दम चिक दम दम, वो देखो वो कौन आ रहा है, चोरी छुपे दबे पाँव आ रहा है कौन, कभी दौड़ता कभी घिसता मानो जेम्स बॉन्ड, मस्त होकर नाच रहा है जंगल का सरदार, दम चिक दम दम, दम चिक दम दम, फुलक फुलक के कूद रहा कस्तूरा का परिवार, दम चिक दम दम, दम चिक दम दम, नहीं नाना भैया नाना भैया ऐसा ना करो, दुश्मन तुम खुद अपने हो अपने से डरो, दम चिक दम दम, दम चिक दम दम, दम चिक दम दम, दम चिक दम दम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। वो उधर चौक पे। अच्छा बैठक वहाँ हो रही है क्या? जी। अच्छा तो आपने यहाँ ली बैठक में? बस ये कपड़े सुखा रही थी, आप चलिए। रास्ता यहीं से है ना? जी इधर से ही। ठीक आओ भाई। अरे भाई प्रधान बेटा। जी दादाजी। अरे अपने डीएफओ साहब को सूचित भी किया है ना? हाँ दादाजी, उनको सूचित कर दिया था, बस आते ही नहीं होंगे। नमस्कार। अरे आप बैठिए बैठिए, आप बैठिए दादाजी, आप बैठे रहिए, बैठिए आप लोग। हाँ तो आ गए हमारे जंगल के रखवाले। बोल दादाजी आपका आशीर्वाद है। सभी लोग आ गए? स्वास्थ्य ठीक है। सभी लोग आ गए तो दादाजी आज के बैठक की कार्रवाई शुरू की जाए। बेटा शीघ्रम शुभम। तो वन पंचायत में आज क्या मुद्दा है? एक तो पौध और घास रोपण के बजट के विषय में बात करनी है, और दूसरा नीचे की तरफ जहां पर पिछली बार प्लांटेशन हुआ था वहीं पर 3 से 4 चेक डैम लगाने हैं। अरे प्रधान जी, पिछली बार जो हम सबने काम किया था उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। मेरी बुआरी भी कह रही थी कि पहले ये लोग काम करवाते हैं फिर उसके बाद पैसे के लिए चक्कर लगवाते हैं। भाई जो काम हुआ है उसका पैसा कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा पैसा। और फिर टाइम तो लगता ही है ना। अब सरकारी नौकरी में भी पूरा महीना काम करने के बाद ही तो तनख्वाह मिलती है ना। हाँ जी मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भाई ये बातें तो होती रहेंगी। मैं तो ये कह रहा था कि सबसे पहले अपने जंगलों को 2 चौकीदार जरूर, जिससे वो घास की रोपणी और दूसरी जो पौध है उनकी सुरक्षा ठीक से हो सके, है ना। पिछली बारी देख लीजिए एक आग जो है कितना नुकसान कर गई। अरे इसके बारे में किसी ने बोला? अरे दादाजी हम लोग धीरे धीरे उसी बात पर ही आ रहे थे। देखिए गांव में जितने भी परिवार है ना उन सब लोगों से पैसा इकट्ठा कर हम चौकीदारों का वेतन दे सकते हैं, और बदले में जो भी घास होगी ना दादाजी उसको गांव वाले आपस में बांट लेंगे। देखिए अगर ऐसा हो गया ना तो 2 ही 3 साल में आपके प्लांटेशन वाली जगह पर बहुत अच्छी घास हो सकती है। और दादाजी इस बार आपको घास भी देंगे 12 मासी लगाने के लिए।
उससे होगा ये कि महिलाओं को सर्दियों में बहुत अच्छी घास मिलेगी और उस घास से दूध भी अच्छा होता है। सही सही कह भाई, हरी घास का तो कुछ मजा ही और है। चौपालम, और एक बात और, जब हमारे जंगल में चौकीदार लग जाएगा तो ये हमारा जंगल हमारे पर खूब फूलेगा फलेगा, और हाँ किसी की गलती से न आग लगेगी न कोई नुकसान होगा। क्यों बिल्कुल ठीक है, सही बात है ना? बिल्कुल ठीक। तो भाई अपने जंगलों की रक्षा अगर हम नहीं करें तो कौन करेगा? मैं सही बात है। क्यों साहब? सही बात, बिल्कुल ठीक है। आज खेलने में कितना मजा आया ना दीदी, आज तो खेलने में बहुत मजा आया। अरे दीदी, ये पेड़ किसने काटा? देखो सूख गया है, शायद उसने काट लिया होगा। अरे ये दाढ़ी कहाँ जा रहा है? लगता है इसका खेलने से अभी मन नहीं भरा। वहाँ क्या होगा? यहाँ है चिड़िया का एक घोंसला। अच्छा, बस जरा सा देख लो। वहाँ बच्चे नहीं होंगे? अगर बच्चे होते ना तो चिड़िया भी आसपास होती। अच्छा तो जरा अंडों को ही देख लिया जाए। अंडों को छूना मत। क्यों? अगर तूने अंडों को छुआ तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। चिड़िया अगर अंडों को छोड़ देगी तो फिर बच्चे कैसे होंगे? अगर बच्चे नहीं होंगे ना तो ये पेड़ भी नहीं होंगे। क्या चिड़िया के बच्चे भी दादाजी के जैसे पेड़ लगाते हैं? अरे दानी, चिड़िया के बच्चे और जंगली जानवर हम लोगों से ज्यादा पेड़ लगाते हैं। अच्छा, वो कैसे? ये पेड़ों में लगने वाले फलों को खाते हैं और उनके बीज जगह जगह पर गिराते हैं और फिर ये पौधे बनने लगते हैं और फिर पौधे बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, फिर उसमें जंगली जानवर और चिड़ियाएं अपना घर बनाती हैं। पता है आरती दीदी क्या कहती है? आरती दीदी कहती है इसे कहते हैं प्रकृति का चक्र। पता है दानी, जब तू बड़ी कक्षा में आएगा ना तब उसमें विज्ञान की किताब में एक पाठ आएगा प्रकृति का चक्र, उसमें सारी बातें लिखी होंगी। अरे अब तू वहीं रहेगा कि नीचे भी आएगा? अरे दीदी वो देखो, वहाँ जंगल में आग लग रही है। आग लग रही है कहाँ पर? रुक जा मैं आती हूँ। वो देखो वहाँ। हाँ, अभी अभी किसी ने आग लगाई है। अरे हाँ, जंगल के बीच कौन आग लगाएगा? कोई खाना बना रहा होगा। यह जंगल है, कौन बनाएगा खाना? चल दानी जल्दी से, तू भी नीचे उतर। चलो दीदी, चलकर देखते हैं। हाँ आजा।